इंडोनेशिया की राजधानी बाली में G20 समिट का आगाज हो चुका है। ब्रिटेन के नवनिर्वाचित प्रधानमंत्री ऋषि सुनक भी सम्मेलन में पहुंच चुके हैं। बता दें कि ऋषि सुनक का यह पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन होगा। इसके अलावा वो पहली बार G20 सम्मेलन का हिस्सा बने हैं, लेकिन उन्होंने अपने तेवर से दुनिया भर को चौंका दिया है। दरअसल मीडिया से मुखातिब सुनक पहले ही दिन रूसी राष्ट्रपति पुतिन के खिलाफ आक्रामक दिखे। ऋषि सुनक ने यूरोप की सुस्त होती अर्थव्यवस्था के लिए रूसी राष्ट्रपति को सीधे तौर पर जिम्मेदार ठहराया। सुनक ने कहा, पुतिन के गलत फैसले ने दुनिया की अर्थव्यवस्था का गला घोट दिया। साथ ही उन्होंने आने वाले दिनों में रूसी राष्ट्रपति के फैसलों को लेकर दुनिया को आगाह किया है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने कहा कि जब से यूक्रेन पर रूस ने आक्रमण किया है, महंगाई से लेकर दूसरी समस्याओं से जूझना पड़ रहा है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अर्थव्यवस्था वाले सिस्टम में जितनी भी खामियां हैं, पुतिन ने उनका कई सालों तक फायदा उठाया है। अब अर्थव्यवस्था को फिर से पटरी पर लाने के लिए हम सभी देशों को साथ आने की जरूरत है। जारी बयान में सुनक ने इस बात पर भी जोर दिया है कि व्लादिमीर पुतिन की वजह से ही यूक्रेन से अनाज निर्यात नहीं हो पा रहा है और उस वजह से पूरी दुनिया में दाम बढ़ गए हैं। ब्रिटेन के पीएम ने साफ कर दिया है कि किसी एक देश की वजह से अपने भविष्य को अंधकार में नहीं डाला जा सकता। ऋषि सुनक ने अंतर्राष्ट्रीय मंच पर 5-पॉइंट प्लान का भी जिक्र किया और कहा कि फ्री मार्केट को हर स्तर पर प्रमोट किया जाएगा, जिससे विकास दर में तेजी लाई जा सके। हालांकि ब्रिटेन में ऊर्जा की बढ़ती कीमतों के चलते अंदाजा लगाया जा रहा था कि ऋषि सुनक रूस के प्रति नरम रुख अपनाएंगे, लेकिन बाली रवाना होने से पहले ही ऋषि सुनक के तेवर साफ थे। उन्होंने खुलकर यूक्रेन का समर्थन करने का ऐलान कर दिया। इसके अलावा उन्होंने दुनिया के दूसरे बड़े देशों से भी रूस के खिलाफ एकजुट होने की अपील की। G20 सम्मेलन में रूसी राष्ट्रपति पुतिन शामिल नहीं हो रहे हैं। उन्होंने विदेश मंत्री सरगई लावरोव को सम्मेलन में भेजा है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री सरगई लावरोव के सामने ये मुद्दे उठाएंगे। आपको बता दें कि ऋषि सुनक G20 सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री मोदी से भी मुलाकात करेंगे। दोनों नेताओं के बीच ये पहली मुलाकात होगी। इस दौरान दोनों देशों के बीच फ्री ट्रेड डील समेत कई अहम मुद्दों पर चर्चा हो सकती है।